हम उस एरिया में पहले विजिट किया है वो सारा किचन था, अभी यहाँ आए हैं। ठीक है, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा तबरकात हैं, जितने भी इस्लामी तबरकात यहाँ पे रखे गए हैं उनकी ज़्यारत करने के लिए आप जो है ना वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जो तुब कभी पैलेस पार्ट टू है, जो सिर्फ होली रलक के बारे में। यहाँ पे ये जो है ना ये गेट, इस गेट को ये बहुत ज़्यादा मुबारक समझते हैं। और ये जो जगह है ये उस टाइम के जितने भी उलमा थे या जो भी मजहबी थे जैसे सुफ़ाए कराम थे वो इस जगह इकट्ठे हुआ करते थे, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ इधर याददाश्त उनकी जमा की हुई है, ऐसे ही उन्होंने बनाया हुआ है। ये वाला जो एरिया ना ये उस टाइम बहुत ज़्यादा इसको प्राइवेट रखा जाता था, और ये उस टाइम जो सुल्तान के बैठने के लिए जगह के और इसके लिए ये यूज़ किया जाता था, ये तकरीबन 16वीं सेंचुरी का है और ये सबसे कदीम यही है, और ये उस टाइम का फुल प्राइवेट एरिया था। ये यहाँ सबसे पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो यही बिल्डिंग है, इस लिहाज से सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है, और इसको टोटली प्राइवेट रखा जाता था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हुकूमती जो भी मुस्लिम साहिल होते थे वो हल किए जाते थे, दूसरे मुल्क से कोई वज़ीर आए हैं उनसे मुलाकात, इस लिहाज से जितने भी मसाइल होते थे वो इधर हल हुआ करते थे, तो इस लिहाज से ये सारा एरिया और इस बिल्डिंग को उन्होंने प्राइवेट रखा हुआ था। ये बाहर वाला एरिया भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और जैसा मैंने पहले आपको दिखाए हैं यहाँ के जो दरख्त हैं बहुत ही कदावर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और उसके अलावा ये बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है, हर एक चीज़ इन्होंने बहुत ही संभाल के यहाँ पे रखी हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ और ये साइड है, और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये उस टाइम की लाइब्रेरी थी। और ये तो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी ऑफ अहमद थ्री। और अंदर चलते हैं, ये उस टाइम की यहाँ पे किताब कुरान पाक आज तक महफूज है, और यहाँ पे वो बैठ के पढ़ा करते थे, यहाँ पे उन्होंने मुजस्मे बनाए हुए हैं कि ये एक लाइब्रेरी है, और उसके अलावा यहाँ से वो ये दिखा रहे हैं कि जो उस टाइम यहाँ पे उस्ताद हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाया करते थे। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये उस टाइम के जो पीरी रईस थे, जो बहुत बड़े नक्शा नगार थे, ये उन्होंने बनाया था, पीरी रईस उनका नाम था, और सुल्तान अहमद ने जब इस जगह की बुनियाद रखी थी लाइब्रेरी की, तो उसने जो सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की थी खुदाई के लिए वो भी इधर उन्होंने महफूज की हुई है। अभी मैं वहाँ से निकल के आऊँ जो लाइब्रेरी है, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ थर्ड पोर्ट यार्ड में, और जो है इधर लिखा है ऑर्डिनेंस चैम्बर है वो साइड है, देखो जितने भी होली रैलीस हैं जो तबरकात हैं वो इधर महफूज हैं, तो चलते हैं वहाँ। ये जो जगह है ये जो बना हुआ है ये चीज़ को वाजिया करता है कि जो सुल्तान फतेह ने फतेह किया था उस एरिया। हम अभी आ गए हैं पैलेस के चौथे जो कोर्ट यार्ड है, ये देख सकते हैं इसका भी इधर भी चार्ट इन्होंने लगाया हुआ है, और ये सारा इस फोर्थ कोर्ट यार्ड में आता है, तो ये जो सोफा कामी है जो इस साइड पे है, ये पीछे जो मेरे सोफा मास्क है अभी मैं इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने मना किया। ये जो मास्क है ये जो सेकंड सुल्तान महमूद थे उन्होंने तमीर कराई थी 1858 में, और वो जहाँ नमाज पढ़ते थे।
जी फ्रेंड, ये जी मेरे पीछे सोफा पवेलियन और इसके साइड पे एक गार्डन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। तकरीबन पूरे एरिया में ऐसे गार्डन बने हुए और इस और नीचे इस तो चलें आपको दिखाते हैं। इसको सुल्तान महमूद ने 1858 में इसको तैमीर किया था। इस टाइम मौजूद हूँ जी, यहाँ पे एक इमारत बनी हुई है, इसका नाम है बगदाद पवेलियन। और यहाँ से तकरीबन ये देखें पीछे बहुत ही प्यारा व्यू है, ठीक है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको सुल्तनत रायदर फोर्ट कंपेन के सिलसिले में से बनाया गया था जो बगदाद है, इस वजह से इसे बगदाद पवेलियन का नाम भी दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू से दिखाता हूँ। हाँ जी, ये जो मेरे पीछे आप सीट देख रहे हैं, ये उस टाइम के जो सुल्तान थे यहाँ बैठा करते थे, और यहाँ पे उनकी कबीना जो उनके वजीर जो उजरा हुआ करते थे इस साइड पर। और ये तकरीबन 3 सेट जो बने हैं ये उनकी कबीना के हैं, और ये सेंटर में एक लैम्प पड़ा हुआ है। यहाँ का जो फर्नीचर है ये उस टाइम के फ्रांस के जो शाही ख़ानदान था उन्होंने सुल्तनत उस्मानिया के मुताबिक जो उस टाइम वो रखते थे उस लिहाज से इन्होंने इसे फर्नीचर को बनाया था। और इसकी नक्शा नगारी आप देखें कितनी बेहतरीन हुई है, कितनी ज़बरदस्त टाइल और शीशा लगा हुआ है, और ये बिल्कुल गुम्बद जो बना हुआ है कमाल है। तो इस लिहाज से, और इसके एक साइड पर समुंदर है, समुंदर की वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। और ज़्यादातर जो सुल्तान थे वो अपने वज़ीर और जो उनकी कबीना थी उनके साथ यहाँ ही मुलाकात किया करते थे। अभी निकल के आया हूँ बगदाद पवेलियन से, और ये है जी सर्कमसेशन पवेलियन, जहाँ पे सर्कमसेशन किया जाता था। यहाँ भी बहुत प्यारी विंडोज़ हैं, देख सकते हैं यहाँ कोई लाइट नहीं लगी हुई, लेकिन जो भी है ये बाहर की रोशनी अंदर आ रही है, इन्होंने ऐसा एक निज़ाम बनाया हुआ है। और बहुत बेहतरीन यहाँ लाइट लगी है, लाइट का सिस्टम है। और चेक कर सकते हैं जो टाइल लगी है दीवार पे कितना बारीकी का काम हुआ है। और चौथे से मैं जब आप आए तो यहाँ से आप एक अच्छा व्यू ले सकते हैं समुंदर का। जी फ्रेंड, ये थी जी आज की मेरी वीडियो टॉप कापी पैलेस। टॉप तो हमारा अपना लफ्ज़ है, और कापी तुर्की में कहते हैं दरवाज़े को, जिसका मतलब हुआ टॉप का दरवाज़ा। तो ये तकरीबन पूरा जो पैलेस है जी, जो महल बनाया गया, ये इस 4 पार्ट्स में, और फर्स्ट पार्ट में एंट्री है आपकी, यहाँ से आप टिकट लेते हैं। सेकेंड में किचन है, किचन में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं उस लिहाज से सारा सेटअप वहाँ पड़ा है। और उसके अलावा दूसरी साइड पे घड़ियाँ वगैरह या जो भी उनकी कलेक्शन थी वो वहाँ पड़ी हुई है। थर्ड में
लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बाद जहाँ सुल्तान बैठ के अपनी काबीना के साथ डिस्कशन करते थे वो है, और उसके अलावा जो मैन है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी उल्मा, बाकी नबी जितने थे अंबिया इकराम और इस सहाबा इकराम, उनके जो है ना तबारकात वहाँ पड़े हुए हैं। और फोर्थ में वहाँ पर एक तो कमी जो मास्क है वो है, सोफ़ा कामी मास्क है, और उसके अलावा बगदाद पवीजन और इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ मौजूद हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर लाजमी करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।